अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जमशेद शाह, एमएस वर्ड वर्जन 2021 के 25 लेक्चर में मैं आप सबको खुशामद बोलता हूँ। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक और सब्जेक्ट का भी लिंक है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसका नाम है ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप लोगों ने वो उसके लेक्चर नहीं देखे तो वो लेक्चर देख लें, आपकी नॉलेज में इजाफा हो। तो हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर ओपन करना है, विंडो आर एम कमल बॉक्स पिन वर्ड लिखना है और इंटर वर्ड प्रेस बटन प्रेस करना है, हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर हमें क्लिक करना है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने जो रिव्यू का टेप था इसमें हम जो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन थे वो हम क्लियर कर चुके थे। अब हमारे पास एक व्यू का जो टेप होता है वो 50% काम का होता है, 50% काम का नहीं होता। तो जो 50% काम का होता है वो मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। अब हमारे पास है प्रिंट लेआउट। ये जो हम डॉक्यूमेंट अपना देख रहे हैं ये है प्रिंट लेआउट, ठीक है। आप ये ऊपर से व्यू के जो टेप, व्यू का जो टेप है इसके अंदर भी देख सकते हैं और ये आप इधर नीचे भी देख सकते हैं। ये देखें प्रिंट लेआउट, ठीक है। उसके बाद है रीड मोड, ऊपर भी है, ये देखें ये रहा ऊपर और ये देखें नीचे हमारे पास ये रहा नीचे। उसके बाद वेब लेआउट ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है। रीड मोड पे हम क्लिक करते हैं तो ये हम अपने आप एडिट। अब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा रीड मोड है कैसा, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई टेक्स्ट नहीं लिखी हुई, इस वजह से आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो हम वापस इधर नीचे से प्रिंट लेआउट चले जाते हैं और हम इधर ले लेते हैं रैंडम टेक्स्ट। मैंने इधर ले ली रैंडम टेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, ये हम अपने आप एडिट। ये आप लोगों को बटन नजर आ रहे हैं, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते डॉक्यूमेंट के अंदर तो हम इसको बटन प्लेस करते हैं तो हमारे पास हम एक पेज आगे चले जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी मैंने कर लिया, इंटर प्लेस किया, कंट्रोल वी, ठीक है। अब हम जाते हैं रीड, हम आ गए रीड। जैसे हमारे पास बुक होती है हमारे पास अब हमारे डॉक्यूमेंट पेज बन चुके हैं, मैंने आगे प्लेस किया, ये देखिए आगे आ गए। पीछे प्लेस करता हूँ तो ये पीछे चले गए, फिर से इधर बटन प्लेस करता हूँ, ठीक है। हम आ जाते हैं प्रिंट लेआउट, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्रिंट लेआउट होता है। वेब लेआउट ये हमारे पास जैसे इंटरनेट में हमारे पास शुरू होता है ये वैसे हमारे पास वेब लेआउट, ठीक है। आउटलाइन जैसे हमारे पास बुक के अंदर आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर ये हमारे पास SS की बुक में होता है और साइंस की बुक में होता है, आउटलाइन होती है। उसके बाद जो डेफिनेशन होती है वो उसके नीचे लिखी होती है, ये देखें इन्होंने ऑटोमेटिक डॉट दे दिए उसको आउटलाइन, ठीक है। क्लोज आउटलाइन व्यू इतना इस्तेमाल होता नहीं है। ड्राफ्ट का तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ आप अगर नॉर्मली ये सेव करते हैं तो ड्राफ्ट के अंदर सेव करते ही हमारे पास ड्राफ्ट में सेव है, ये दोनों हमारे पास इस्तेमाल नहीं होते हैं। हाँ, रीड मोड, प्रिंट लेआउट मोड, वेब लेआउट मोड ये हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। तो प्रिंट लेआउट मोड कर लिया। उसके बाद एक फोकस मोड, ये अच्छा जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये मेरा डॉक्यूमेंट चारों तरफ से क्लिक हो चुका है, हर साइड से क्लिक, लेकिन जो पेज है वो सिर्फ वाइट कलर का। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से ब्लैक, जहाँ ब्लैक कलर होगा उधर हमारा ध्यान जाएगा, जिधर हमारा वाइट कलर होगा उधर हमारा ध्यान जाएगा, ठीक है। आप रूम में हैं, एक रूम में आप रूम बंद, पूरे रूम में अंधेरा है लेकिन एक सुराख में से रोशनी आ रही है तो आपका सारा ध्यान उस रोशनी पर जाएगा। तो फोकस मोड जो है ये पढ़ाई के लिए बेस्ट है, ठीक है, पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छा मोड है फोकस मोड, ठीक है। हम वापसी प्रिंट लेआउट मोड में चले जाते हैं, हम इसको क्लोज करते हैं, एक मिनट कैंसिल पर मैं क्लिक करता हूँ, इधर आता हूँ और ये हम फोकस मोड अपना ख़त्म करते हैं। तो हम वापस उसे इम्प्रेसिव रीडर, ये हमारे पास वर्ड, ठीक है, ये देखें एक एक वर्ड के बीच में फासला आ गया। कॉलम विड्थ वेरी नैरो मॉडरेट, मतलब इनों के बीच में स्पेस आ गया, ठीक है, वाइड ज़्यादा स्पेस आ गया। पेज कलर, पेज का कलर क्या देना चाहते हैं आप, लाइन फोकस, एक लाइन ब्लैक हो जाए फिर दूसरी। पर ये तब इस्तेमाल होता है जब हम इसको अगर रीड आउट पढ़ेंगे ना तब हमारे पास ये। वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट। व्हेन यू क्लिक ऑन लाइन वीडियो यू कैन पेस्ट इन द एम्बेड कोड फॉर द वीडियो यू वांट टू ऐड। यू कैन आल्सो इम्पर्सिव रीडर के अंदर यही होता है हमारे पास कि हम अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। वर्टिकल हमारा पेज जैसे वर्टिकल है, साइड बाय साइड हमें देखना ही है, हमारा साइड बाय साइड होगा, ठीक है।
पार्टिकल बैच रूलर जो हमारे पास ये ऊपर बाहर नजर आती है हम उसको रूलर बोलते हैं, जैसे इसको शो हाइड कर सकते हैं ठीक है। गाइडलाइन हमारे पास ये पेज के ऊपर ये गाइडलाइन आ जाती है, शेप रखते हैं या कोई टेक्स्ट रखते हैं आप देख सकते हैं कि भाई अंदर है या बाहर है, तो ये गाइडलाइन हमारे शेप में काफ़ी मदद करती है। नेविगेशन पे ये हमारे पास सर्च में काम आता है, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं। जूम, जूम का आपको पता है क्या होता है, 200% ये हमारे पास जूम इधर नीचे भी है ठीक है, 200% करना है, 100% करना है, 75% करना है, इधर से आप इसके परसेंट बढ़ा सकते हैं, विड्थ पेज विड्थ के हिसाब से करना है, पेज टेक्स्ट विड्थ के हिसाब से करना है, मेनी पेजेस को काफ़ी सारे पेजेस को एक साथ लेके आना है, जितने पेज मैंने उन्होंने किया तो ये देखें दो पेज थे तो इसने दो पेज हमें दिखा दिया ठीक है। इस जूम पर मैं क्लिक करता हूँ, वापसी हमारे 100% है, चलो 75 पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। ये हमारे पास लास्ट क्लास हमारे MS Word की, क्योंकि हम सारे टेप पढ़ चुके हैं ठीक है। जब मैंने MS Word पढ़ा था तो मैंने एक बुक बनाई थी, लास्ट में मैं आपको वो पेपर दिखा दूंगा और जो MS Word के शॉर्टकट कीज़ हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब मेरे पास जो जूम है वो है 35%, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे 100% में जाना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक 100% पे आ जाएगी। अगर आप शॉर्टकट की कंट्रोल से, अगर आपकी जूम 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, आपको डायरेक्ट 100 पे जाना है, इस पर क्लिक करें तो आप डायरेक्ट 100 पे आ जाएंगे ठीक है। वन पेज एक पेज नजर आए, मल्टीपल पेज काफ़ी सारे पेज नजर आए, पेज विड्थ हमारे पास पूरी स्क्रीन पे एक पेज आ जाए, पेज स्क्रीन के हिसाब से पेज हमारा सेट हो जाए तो हम वन पेज करते हैं। न्यू विंडो जो मैं आपको बताता था, कंट्रोल एन से हमारे पास न्यू विंडो आती है, ये इसका ऑप्शन रखा हुआ है, व्यू पे आके न्यू विंडो पे क्लिक करें, ये आप सिंपल सा कंट्रोल एन पे पेज करें, मैंने न्यू विंडो पे क्लिक किया तो ये देखें। अच्छा कंट्रोल एन से हमारे पास क्या है, नया डॉक्यूमेंट, सॉरी गलती हो गई मुझसे, कंट्रोल एन से हमारे पास आता है नया डॉक्यूमेंट ठीक है, और न्यू विंडो से हमारे पास क्या आता है कि हम उसी डॉक्यूमेंट को, जैसे मैंने इसके ऊपर मैं 100 पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखी हुई है वो इसी का डुप्लीकेट मुझे बनाना है, यही टेक्स्ट उसी डॉक्यूमेंट में लिखूँ तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा, ये देखो वही वाली टेक्स्ट हमारे पास न्यू विंडो के ऊपर आ गई ठीक है। अगर सिंपल सा देखा जाए तो ये कॉपी पेस्ट का काम करता है, वैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को क्लोज करके, हम कॉपी पेस्ट करते हैं, अगर हम सॉफ्टवेयर को ओपन करके ही कॉपी पेस्ट करें तो व्यू के अंदर आके न्यू विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो डक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अरेंज आर दो डॉक्यूमेंट है तो हमारे स्क्रीन के हिसाब से दो डॉक्यूमेंट सेट हो जाए, एक ऊपर एक नीचे, जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे ये ऑटोमेटिक उसको सेट कर देगा ठीक है, आपके पास जितने भी। तो हम न्यू विंडो करके हम देख लेते हैं, स्क्रीन में काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी, ये मैंने न्यू विंडो ठीक है, व्यू में आए न्यू विंडो, अरेंज ऑल पे मैं क्लिक करता हूँ, देखना सारे अरेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ये देखें पहला दूसरा तीसरा चौथा ठीक है, आपके पास जितने भी होंगे आपके पास सारे हो जाएंगे। आई होप ये ऑप्शन समझ आया होगा, स्प्लिट कि भाई हमारे पास एक ऑप्शन दूसरा हो, एक पेज हमारे पास सॉरी ऊपर वाला डॉक्यूमेंट चेंज हो नीचे वाला डॉक्यूमेंट चेंज हो। देखें अभी ऊपर वाला डॉक्यूमेंट नंबर वन है, ये वाला हमारे पास डॉक्यूमेंट नंबर टू है ठीक है। स्प्लिट को रिमूव स्प्लिट करता हूँ, व्यू साइड बाई साइड इसको पहले ये ठीक है वर्टिकल पे मैं आ जाता हूँ, व्यू साइड बाई साइड हमारे पास है कि आपको एक पेज के बाद एक पेज देखना है, रीसेट विंडो पोजीशन उसके बाद स्क्रॉलिंग, ये जैसे मैं इसको इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार, ये आपको नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार ठीक है, ये वाले ऑप्शन काम कर रही है। हाँ ये वाला है स्विच विंडो, स्विच विंडोज हमारे ये है कि अगर हमारे पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट ओपन है, जैसे मैं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, न्यू विंडो पर क्लिक करता हूँ तो अब मैं जाता हूँ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये था मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इस पर गया स्विच विंडो में, पहले मेरे पास इधर था नंबर वन डॉक्यूमेंट नंबर वन, अब हमारे पास टू आ गया, मुझे नंबर टू डॉक्यूमेंट चलाना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास वो ऑटोमेटिक नंबर टू डॉक्यूमेंट को मिल गया, स्विच मतलब तब नहीं करना ठीक हो ठीक है। बाकी ये वाला ऑप्शन आपका, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इस पर ये हमारे पास रिकॉर्डिंग होती है कि भाई बंदा क्या टेस्ट है, जैसे हम अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर इस्तेमाल करते हैं तो MS Word के अंदर हमारे पास ये वाला होता है रिकॉर्ड करते हैं ठीक है, ये आपका काम कर रही है तो हम इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। तो आज हमारा जो MS Word सॉफ्टवेयर था एक वर्जन 21 वो ख़त्म हो चुका है, अब हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा जिसका नाम है पावर पॉइंट, सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा जिसका नाम है पावर पॉइंट।
हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, डिस्क्रिप्शन में उस सॉफ्टवेयर का लिंक है जिसका नाम है एमएस ऑफिस। जब आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास चार पैकेज इंस्टॉल होंगे, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस। तो हम एमएस वर्ड पर चुके हैं, अब है नंबर टू एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, तो मैंने आपको लेक्चर के बीच में मैंने बात की थी कि भाई मैं अपनी बुक दिखाऊंगा, तो मैं आपको अपनी बुक दिखा देता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ डॉट से, तो मैं आपको अपनी बुक दिखा देता हूँ जो मैंने जब मैं एमएस ऑफिस पढ़ चुका था तब मैंने अपनी बुक बनाई थी। ठीक है, चलते हैं, कहाँ होगी, मे बी इसके इसके अंदर भी नहीं है, वर्क के अंदर हम आ जाते हैं। तो ये रही एम एस वर्ड। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। गूगल क्रोम की फाइल है, पीडीएफ की फाइल है, थोड़ा सा प्रोसेस होगा, हमारी फाइल ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, हमारी वो फाइल ओपन हो चुकी है, एडिशन 2021, राइटर सैयद जमशेद, एमएस वर्ड। जब मैंने एमएस वर्ड ख़त्म किया था तो मैंने ये लास्ट की बुक बनाई थी। पेज नंबर हम सेकंड पे आते हैं, मैंने सेकंड पे क्लिक किया, ये मैंने आपको पढ़ाया था टेबिला मांग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी ऐसी बुक बना पाएँ, क्योंकि जो जो ऑप्शन मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किए हुए के अंदर वो ऑप्शन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, टेबिल ऑफ कंटेंट, कंट्रोल बटन प्रेस किया, लेफ्ट बटन पे, राइट बटन प्रेस किया माउस, तो देखिए जंप करके मैं उधर टेबिल ऑफ कंटेंट पे आ गया, सॉरी इन्फो पे आ गया कि भाई इन्फो के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, ये मैंने टेबिल ऑफ कंटेंट सारा ऐसे इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे मैं अभी इस पर चला जाता हूँ, अंडरलाइन, कंट्रोल बटन प्रेस किया और माउस से राइट बटन प्रेस किया तो मैं आ गया अंडरलाइन के ऊपर, अंडरलाइन यूनिट। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास शॉर्टकट कीज, ये सारी मैंने बुक बनाई हुई है, काफ़ी सारे इसके अंदर पेज हैं, और ये हमारे पास, यहाँ से हमारे पास एम एस वर्ड के शॉर्टकट की इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आपको ये बुक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें एम एस वर्ड की बुक चाहिए, तो मैं आपको ये पर्सनल सेंड कर दूँगा। ठीक है, ये सारे हमारे पास एम एस वर्ड के शॉर्टकट की देख सकते हैं आप। ठीक है, ये हमारे पास हमारे बुक का लास्ट पेज। टू विन बिग, अगर आपको कुछ बड़ा करना है, यू समटाइम्स नीड टू टेक रिस्क, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, आज के लेक्चर से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। हमारा एक दो सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, नंबर वन ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सेकेंड MS वर्ड। मिलते हैं थर्ड सब्जेक्ट के लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।